वीडियो में हम लोग निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। निफ्टी अपने हाई से अभी 1000 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो अब ये कौन सा लेवल है जहाँ पे ये रिवर्स कर सकता है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल जो था 18180 के आसपास का सपोर्ट लेवल था, और उसने अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करके 17824 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस 17824 इसका हो चुका है। अभी हम लोग इसके रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम लोग एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे अभी ये एक इसका ये सपोर्ट एरिया है, साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, 17800 का लेवल है, और 17800 के लेवल पे क्या ये रिवर्स कर पाएगा, तो हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे। इस पे हम लोग एक इंडिकेटर प्लॉट करेंगे बोलिंगर बैंड इंडिकेटर के हिसाब से। ये बैंड के बाहर ये कैंडल निकल चुकी है, तो जैसा कि हर बार होता है कि अगर कोई कैंडल बैंड के बाहर चली जाती है तो फिर वहाँ से रिवर्स हो सकता है। आप इसका हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं, तो लगभग समय ऐसा होता है और सपोर्ट का लेवल भी है। दूसरा रीज़न है, अगर हम इसी पे इंडिकेटर में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA हम लोग करते हैं, और इसी EMA की स्ट्रेटजी को हम लोग कर देते हैं 5 EMA, तो ये अपने मूविंग एवरेज से भी दूर जा चुका है। आप देख सकते हैं 5 EMA 18126 पे रुका हुआ है, लेकिन मार्केट 17824 के आसपास पहुँच चुका है, तो 5 EMA कैंडल से भी ये दूर हो चुका है। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगा और एक शार्प अप मूव मार्केट देने वाला है। अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे वीकली चार्ट की, हम लोग एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, ये इंडिकेटर्स हम लोग रिमूव करेंगे। निफ्टी का वीकली चार्ट, जैसे पहले भी हम लोग ने बताया था, निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो अभी भी बुलिश है। RSI के लेवल भी 50 के ऊपर है और बोलिंगर बैंड भी अपर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये संभव है कि इस बैंड से ये सपोर्ट लेके एक अप मूव दे दे। हम लोग आज 15 मिनट के चार्ट की अगर बात करें, 15 मिनट के चार्ट पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट लोअर लोज बना रहा है। इसने कल भी ऐसा किया था, मार्केट लोअर लोज को बना रहा था, लेकिन उम्मीद ये थी कि मार्केट 18000 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, लेकिन साफ सेलिंग की वजह से मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक किया और यहाँ से 200 पॉइंट नीचे लगभग मार्केट मूव कर गया। तो हम लोग यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल प्लान करने के लिए 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट को अपर बैंड के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, और या 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट चलना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ से हम लोग एक रिवर्सल ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे कमेंट, शेयर और लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निफ्टी की इस तरह की एनालिसिस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।